नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऋतिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर से हम एक नए वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जो कि कियोस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो हमारे साथ बने रहें, ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे टेक्निकल ऋतिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके हमारी आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा ताकि दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के लिए मिले। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा या SBI, PNB किसी भी बैंक का कियोस्क जो चलाते हैं तो उन्हें रिसिप्ट प्रिंट करने का बहुत समस्या आता है। अगर हम 1005 प्रिंटर से करें या फिर कोई कैनन का और प्रिंटर ले लेते हैं, उससे अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो कस्टमर को हम लोग उस प्रिंट करके नहीं दे पाते हैं। तो इसी समस्या का आज हम लोग समाधान करेंगे कि कम बजट में हम लोग कैसे उस चीज़ को कर पाएँ। तो उसके लिए मैंने एक प्रिंटर का सिलेक्शन किया है जो कि मैंने मैंने भी 3 साल से उसको चलाया है। तो नो मेंटेनेंस प्रिंटर है एकदम, जो कि कियोस्क के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आप लोग को उसका लाइव तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ मैं इमेज लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा प्रिंटर है, साइसन का है प्रिंटर ये, जो कि इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आप लोग, ये देखिए यहाँ से हमारा प्रिंट निकल रहा है। ये जो चीज़, ये पेपर लगा हुआ है, यहीं से हमारा प्रिंट निकल रहा है। और ये ब्रांड है साइसोन, और यहाँ स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ रीसेट, ये सारा फैसिलिटी दिया हुआ है इसमें। तो इसको हम थर्मल प्रिंटर के नाम से जानते हैं। और इसका और कुछ दिखा देता हूँ आप लोग को। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है, बैक साइड में पीछे में है इसका, यहाँ पे इसका रोल लगा होता है, यहाँ पे इसका रोल रखता है। ये प्रिंटर 57 mm का है, जो कि बहुत आसानी से इस पे प्रिंट निकल जाता है और बहुत अच्छा प्रिंटर है ये। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं इस प्रिंटर कंपनी का एडवर्टाइज कर रहा हूँ, चाहे वो ऐसा, उस तरह का कोई बात नहीं है। बस हम जो हैं, जो आप लोगों को सुविधा के लिए ये वीडियो बनाए हैं कि आप लोगों को प्रिंट करने में सुविधा हो। तो चलिए इसका कुछ और हम आपको फिगर दिखा देते हैं। देखिए बैक साइड है, ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा पावर केबल लगा रहता है। यहाँ पे हमारा पावर केबल लगता है, और यहाँ पे इसका USB लगता है। तो ये दो चीज़ हो गया। और देखिए पीछे से कुछ देखने में ऐसा लगता है, ये देखिए इस तरह से है। इसके साथ एडेप्टर है जो यहाँ पे नीचे में लग जाता है, देखिए इसमें कटिंग तो नहीं लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कटिंग नहीं है, मैनुअल कटिंग है। और इसका प्राइस भी बहुत कम आता है, 2200-2300 रुपया अमेजोन से अभी इसका प्राइस है। जब मैं मंगाया था उसे मैं 4042 के करीब था। तो अभी ये बहुत सस्ता हो गया है प्रिंटर। और दोस्तों इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इंक नहीं डलता है,
किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसमें पेपर लगाइए और प्रिंट करते जाइए। तो आज के लिए हमारा इतना ही था दोस्तों, ओके बाय, थैंक्स।